एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के एडेड जूनियर हाई स्कूल में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती। करीब 1894 पदों पर होगी नियुक्तियां। तो शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ओएमआर शीट पर होगी भर्ती परीक्षा। टेट से उच्च स्तर की होगी प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा। प्रधान अध्यापक की भर्ती के लिए स्नातक स्तर का होगा प्रश्न पत्र। प्रधान अध्यापक की भर्ती परीक्षा के लिए 5 साल सहायक अध्यापक का अनुभव भी होगा जरूरी। प्रधान अध्यापक के लिए सामान्य परीक्षा के बाद 1 घंटे की एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में प्रबंधन से जुड़े 50 सवाल पूछे जाएंगे। प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक की परीक्षा अलग अलग होगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवालों के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे। परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65%, आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक जरूरी। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे लखनऊ से सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कितनी बड़ी नियुक्तियां होने जा रही हैं? लवी देखिए, 1894 पदों पर ये भर्तियां होनी है। जो 1894 पदों के लिए अधियाचन जो है वो भेजा गया था और ये पूछा गया था कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि अभी तक जो एडेड स्कूलों की भर्तियां होती थी वो सीधे तौर पर होती थी, मैनेजमेंट का हस्तक्षेप होता था। लेकिन इस वर्तमान सरकार में इस चीज को देखा गया और उसमें गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये फैसला हुआ कि जिस तरह सरकारी स्कूलों में लिखित परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती की, वैसे ही अब एडेड स्कूलों में भी होगी। यानी एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती की कमान की सरकार के हाथ में आ चुकी है पूरी तरह से, जिससे वहां पर कोई खेल ना कर पाए मैनेजमेंट। और अब उन भर्तियों को लेकर शासन ने गाइडलाइंस भी दी है और साफ ये कहा है विशेष सचिव की तरफ से निर्देश कि जल्द से जल्द इस भर्ती को करने की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, पहली बार क्योंकि इस तरह से परीक्षा हो रही है तो ऐसे में जो सहायक अध्यापक है और जो प्रधानाध्यापक होंगे उनकी परीक्षा 2.5-2.5 घंटे की होगी। लेकिन प्रधानाध्यापक को 2 तरह से परीक्षा देनी होगी, यानी एक उसको सामान्य परीक्षा 2.5 घंटे की और एक उसको विशेष परीक्षा देनी होगी 1 घंटे की, जिसमें उससे मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। यानी क्या वो विद्यालय को संभाल सकता है, उसके प्रबंधन को देख सकता है, ये देखा जाएगा। पूरी परीक्षा जो है वो ओएमआर शीट पर होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इस तरह से कराई जाएगी। और जल्द से जल्द अब जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है प्रयागराज, वो इसके ऊपर कार्रवाई की तैयारी में है कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो ये मानकर चलिए कि अगले कुछ ही दिनों में इसकी तारीखों की घोषणा हो सकती है, इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि गाइडलाइंस स्पष्ट हो गई है। तो कह सकते हैं कि जल्द ही इस सरकार में एक और बड़ी शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि 1894 पद है, सरकारी नौकरी है, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में 69,000 की भर्ती की जो प्रक्रिया थी। जी जी बिल्कुल शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीएसए के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 1894 पदों पर होगी भर्ती। तो शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी गाइडलाइंस जारी। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ओएमआर शीट पर होगी भर्ती परीक्षा। टेट से उच्च स्तर की होगी प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा। प्रधान अध्यापक की भर्ती के लिए स्नातक स्तर का होगा प्रश्न पत्र। प्रधान अध्यापक की भर्ती परीक्षा के लिए 5 साल सहायक अध्यापक का अनुभव जरूरी। प्रधान अध्यापक के लिए सामान्य परीक्षा के बाद 1 घंटे की एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में प्रबंधन से जुड़े 50 सवाल पूछे जाएंगे। प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक की परीक्षा अलग अलग होगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्नों का देना होगा जवाब। सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।